नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी चैनल। तो गाइज इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ बड़ी अपडेट्स जिनमें शामिल है रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर बड़ी जानकारी, क्या गोल्डबर्ग वर्सेज बुकर टी का मैच देखने को मिलेगा और रोमन रेंस के रेसलमेनिया 35 के ड्रीम मैच को लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि द पीपल्स चैंप द रॉक तीसरी बार पिता बन चुके हैं। तो रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर बड़ी अपडेट यह सामने आई है कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में होने वाले रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर के मैच का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है, यानी अभी तक WWE को भी यह पता नहीं कि कौन जीतेगा इस मैच में। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या होता है ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। मेरे हिसाब से WWE इस मैच के बारे में बड़ा प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि WWE अपनी स्क्रिप्ट 2 से 3 महीने पहले तैयार करके रखती है, लेकिन नज़दीक आते आते सिचुएशन के हिसाब से प्लान में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर विनर पिक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सट्टा बाजार की माने तो यहाँ जीत रोमन रेंस की होगी। अगली बड़ी अपडेट है गोल्डबर्ग को लेकर। तो हाल ही में बुकर टी ने गोल्डबर्ग को कहीं भी और कभी भी मैच लड़ने और पुशअप के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस पर गोल्डबर्ग ने बड़ी जानकारी दी है कि उनके हाथ और कंधे को जोड़ने वाले हिस्सा यानी रोटेटर कफ्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वे पुशअप चैलेंज में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमें यह मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यह मजाकिया वाद विवाद था। अगली बड़ी अपडेट है रोमन रेंस को लेकर। तो हाल ही में रोमन रेंस ने स्पेनिश सेक्शन में इंटरव्यू दिया। रोमन रेंस ने यहाँ इस बात का खुलासा भी किया कि अगले साल रेसलमेनिया में किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। रोमन रेंस ने बताया कि पिछले कुछ साल मेरे लिए उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं डेनियल ब्रायन से लड़ना पसंद करूँगा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और अगर अगले साल रेसलमेनिया में मेरा मैच डेनियल ब्रायन के खिलाफ हुआ तो ज़बरदस्त होगा। आपको बता दो कि रोमन रेंस ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में यही बात कही थी। रोमन रेंस ने आगे कहा कि अगर उनका मैच डेनियल ब्रायन से नहीं हुआ तो मैं शील्ड के किसी मेंबर से लड़ना पसंद करूंगा। और गाइज अभी एक बड़ी खबर आई है कि बैकलैश में हमें डेनियल ब्रायन वर्सेज बिग कैश का मैच देखने को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि दोनों ने ही रिंग से काफ़ी समय दूर रहकर अपनी वापसी की है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।